रामलला की मूर्ति से हटा पर्दा, हो गए रामलला के दर्शन। सामने आई रामलला की मूर्ति, राम मंदिर के गर्भगृह में विराजे रामलला। रामलला की प्रतिमा की पहली तस्वीरें आई सामने, राम भक्तों का खत्म हुआ इंतजार। गुरु श्री राम के उस स्वरूप के दर्शन जिसे आप 23 तारीख की बात कर पाएंगे। रामलला की मूर्ति गर्भगृह में लाई गई, तमाम अनुष्ठान वैदिक रीति से किए गए। वही विग्रह भगवान श्री राम का जो 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होगा और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस रामलला की विग्रह की ही अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद राम भक्त ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। जिस घड़ी का राम भक्तों को 500 सालों से इंतजार था, आखिर वो घड़ी नजदीक आ गई है। अब कुछ ही घंटों का इंतजार है, या यूं कहें कि बस कुछ दिन। श्री रामलला की ये वो मूर्ति है, ये वो विग्रह है जिसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा और इसके दर्शन आप 23 जनवरी के बाद कर पाएंगे। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके लिए। अभी आप रामलला की मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधे हुए देख रहे हैं और गले में फूलों की माला, और ये पट्टी तब तक नहीं खोली जाएगी जब तक प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है। उसके बाद प्रभु श्री राम की मूर्ति की आंखों पर से पट्टी खोली जाएगी और सबसे पहले प्रभु श्री राम दर्पण में अपने आप को देखेंगे। मूर्ति के सामने दर्पण रखा जाएगा और वो अपनी छवि को देखेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की ऐसी ही परंपरा है और फिर उसके बाद श्रद्धालु। कला का ये विग्रह बड़ा ही मनमोहक है। श्याम रंग की इस 51 इंच की प्रतिमा में भगवान 5 वर्षीय बाल स्वरूप में है और उनके चेहरे पर मंद मुस्कान है। रामलला की बाल छवि है और मंद मंद मुस्कान है। सुबह 9 बजे से अनुष्ठान शुरू हुआ और गर्भगृह में विराजे रामलला। रामलला के इस नए विग्रह के दर्शन कर आपने कैसा अनुभव किया, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। जय श्री राम।